अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला। जी हाँ गाइस, ये मस्ती की पाठशाला नहीं है, ये है संडे की पाठशाला। जी बिल्कुल सही सुना, मैं हूं आपका डियर के सर, और आज बताऊंगा शेड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एकेडमिक टूल नंबर 3, जो है संडे की पाठशाला। तो आओ मेरे साथ देखते हैं कि क्या है ये संडे की पाठशाला और क्या कैसा कंसेप्ट हमने लाया संडे की पाठशाला। चलिए आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं बात करूं कि इंजीनियर संकल्प सर की, ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ शेड हाइब्रिड एकेडमी। जब इन्होंने ये प्लान सोचा तो मैंने भी ये सोचा कि क्या होगा आगे, बट व्हेन इट कम्स टू द डेटा, द फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बताता चलूं तो बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, ये सब क्यों सक्सेसफुल आदमी बने, क्या आपने कभी सोचा? बिल्कुल, उन्होंने मेहनत की, काम किया, बट उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट डे है संडे, उसको कभी भी वेस्ट होने नहीं दिया। उन्होंने हर संडे को एफेक्टिवली, एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। तो यही टेक्निक के साथ शेड भी आया है कि संडे को और ज्यादा मेहनत करेंगे और एक प्रोडक्टिव डे की तरह रूप में इस्तेमाल करेंगे। सो संकल्प सर इज अ वेल नोन फिजिक्स मेंटोर एंड ही हैज टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स एंड कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग इन दिस फील्ड टू प्रोड्यूस मोर IITians एंड मोर डॉक्टर्स हियर। मूविंग फर्दर, मैं अपने बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब कोई मुझे जानता है एज द नेम ऑफ इंजीनियर के सर। यू तो मेरा फुल फॉर्म यानी पूरा नाम जो है वो कौकब खान है, बट आपके प्यार ने ही मुझे बनाया है के सर, ठीक है? तो आई हैव डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम बीटेक और हैव डन माय बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड आई एम योर एचआर एडमिन ऑफ शेड हाइब्रिड एकेडमी एंड शेड कोचिंग। मूविंग फॉरवर्ड गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है ये संडे की पाठशाला कि हम क्या करते हैं संडे की पाठशाला में। तो मैं बताता हूँ संडे की पाठशाला में आखिरकार होता क्या है। हम संडे की पाठशाला में अपने बच्चों को तैयार करते हैं, क्या किस चीज से? हम पहले तो उनको तैयार करते हैं, डाउट क्लियरेंस सेशन लेते हैं, ठीक है? और सिर्फ इसमें शेडियंस नहीं पढ़ते, इसमें सिर्फ शेड के बच्चे नहीं पढ़ते, इसमें ऑल अराउंड द स्कूल्स ऑफ गोरखपुर बच्चे आ सकते हैं। और द बेस्ट पार्ट क्या है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्ज नहीं करते क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि हम आपके माइंड पे वर्क करेंगे, उस पे काम करेंगे और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। और इसको हम आज से ही नहीं, आपको बताता चलूं मैं गर्व से कह सकता हूं कि 3 साल से इफेक्टिवली अपनी कोचिंग में और अपने स्कूल की क्लासेस में हमने यहाँ पे मेहनत करके रिजल्ट्स दिया। मूविंग फॉरवर्ड, संडे हो गया, पापा अब रेस्ट करेंगे, मम्मी हम तो रेस्ट करेंगे, बट हमारे वहां के बच्चों की मेंटालिटी क्या है, सोच है क्या है? नहीं, संडे है यानी यहाँ पे संडे की पाठशाला में जाएंगे, एके जी सर, संकल्प सर से हम पढ़ाई करेंगे। और हमारे डिफरेंट मेंटोर जो है, जो बायोलॉजी के मेंटोर्स हैं, जो हमारे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम सबके साथ जाएंगे सर, घुले मिलेंगे, अपने डाउट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और हमारा जो एम है वो ऑल इंडिया 100 रैंक IIT में और नीट में वो लाके रहेंगे। कैसे लाएंगे? वही जो है संडे की पाठशाला और मस्ती की भी पाठशाला। गाइस, करते क्या है हम, एक्स्ट्रा क्लास और एक्स्ट्रा मेंटोरशिप है हमारी वीक स्टूडेंट्स पे। यूं तो हर बच्चा खास होता है, बट अगर हम मेहनत करने पे आए, कभी भी किसी बच्चे के अंदर भी डाउट आ सकता है, ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट से डाउट हो सकता है, हम उस पे 360 डिग्री मेंटोरशिप पे काम करते हैं। यही शेड का उद्देश्य है कि अगर आप किसी मेंटोर्स को 1:30 बजे भी डाउट पूछते हैं या संडे को आके स्पेशल पूछते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे डाउट है, तो वो फैकल्टी कभी मना नहीं करता। 360 डिग्री मेंटोरशिप पे हमारा काम करना ही संडे की पाठशाला के साथ निरंतर आगे बढ़ना हमारा ही उद्देश्य है। Guys, we also in this particular section give focuses on preparation of a competitive exam. तो competition पे भी हम ज्यादा focus करते हैं, बच्चों के mental ability, reasoning पे भी हम यहाँ पे focused हैं। इसीलिए आपको शेड का रिजल्ट बताते चलूं कि हमने अभी तक 50 IITians we have produced so far. It's been a commendable performance by us and we are striving hard to produce the best. Moving forward now. शेड अभ्यास, सागा और तीसरा है संडे की पाठशाला। ये तीनों के बारे में आपने जान लिया है, समझ लिया है, और आगे क्या आने वाला है वो तो आगे वाले वीडियो में ही पता चलेगा। चलिए
गाइस आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आपको आगे बताते चलूं कि आज तो कमाल ही हो गया। मुझे पता था कि आईसीएसई का रिजल्ट आएगा एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी इन शेड दैट माय स्टूडेंट वन ऑफ माय स्टूडेंट साक्षी पांडे हैज गॉट 40/40 इन मैथमेटिक्स। कर दिखाया शेड ने, पूरे नंबर 40 में 40। और अगर आप बगल वाली फोटो में देखेंगे तो वो देवांश है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द शेडियन एंड इज स्टडिंग from class 9th with Shed and now he's in class 9. Usne bhi kamal kiya. In biology he has got 39 marks out of 40 guys. To ab dekh lijiye ye isme role kya hai, bachcha mehnat kar raha hai, doubt clearance kar raha hai, but Sunday ki paathshala karna zaruri hai kyunki Sunday ki paathshala karenge tabhi number pure aayenge aur tabhi mehnat hogi aur tabhi kamyabi hasil hogi bachcho। थैंक यू सो मच बच्चों कि आपने इस एकेडमिक टूल को भी बहुत ध्यान से सुना और एज आई ऑलवेज से कि एडमिशन ओपन फॉर ऑल। और गाइस वी आर नाउ डूइंग एडमिशन फॉर फ्रॉम जिंगल किड्स टिल हाइब्रिड डिवीजन। तो मैं आपको एक बार डिवीजन बता चलूं कि कई लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर ये डिवीजन क्या है स्कूल में, तो चलो आओ मैं एक दो मिनट ले लेता हूँ और आपको ये भी बताता चलता हूँ। तो जिंगल किड्स जो हमारा चलता है यानी छोटे बच्चों की क्लासेस जो चलती है दैट इज फ्रॉम प्ले वे टू क्लास सेकेंड, ठीक है। फिर हमारा नर्चर डिवीजन आता है दैट इज फ्रॉम क्लास थर्ड टू क्लास फिफ्थ। फिर आता है हमारा जीनियस डिवीजन दैट इज फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास एट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स अ हाइब्रिड डिवीजन फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12। जल्दी जल्दी जाओ और मम्मी पापा से कहो कि हमें भी जाना है और गाना है संडे की पाठशाला, संडे की पाठशाला। यस गाइस एडमिशन ओपन। थैंक यू सो मच।